नमस्कार। बिना तोड़फोड़ के वास्तु उपचार के अंतर्गत आज हम बात करते हैं घरों में बनाए जाने वाले पूजा घर यानी मंदिर का। किस प्रकार से हम यदि आपके घर में मंदिर ठीक नहीं है, उसको रखने के लिए, उसको पूजा करने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा है या कहीं गलत रख दिया गया है, तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं बिना तोड़फोड़ के, आज हम बताते हैं। प्राचीन काल में मंदिर केवल गांव से या शहर से बाहर हुआ करते थे, या किसी एक विशेष मोहल्ले में बाहर होते थे। पूरा समाज, पूरा मोहल्ले वाले मंदिर में जाकर के पूजा करते थे। लेकिन आज की भागदौड़ ने व्यक्ति को इतना आत्म अवलंबी बना दिया है कि वो अब घर में ही मंदिर को ले आया है। वैसे घर में मंदिर का होना अच्छा नहीं होता, लेकिन आज समय की आवश्यकता है तो लोग अपने घर में पूजा करते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के विग्रह को बढ़ाने के लिए कोई स्थान तो चाहिए। कई बार क्या होता है कि घरों में मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट स्थान नहीं मिल पाता है। मंदिरों को बनाने के लिए पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व ईशान दिशा होती है, लेकिन कई बार नहीं होता कि वहाँ पर स्थान मिले और मंदिर बना दिया जाए। तो कई बार घर में मंदिर गलत बन जाता है, पश्चिम दिशा बन जाता है, दक्षिण बन जाता है, तो कुछ परेशानियाँ अवश्य आ जाती हैं। फिर जब हमने घर में मंदिर स्थापित कर ही लिया तो उसे उचित स्थान पर रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अपने घर के किसी भी कमरे में चाहते हैं कि आपके घर में ईशान कोण में जगह नहीं है, पूर्व में भी जगह नहीं है, उत्तर में भी स्थान नहीं है मंदिर रखने का, तो कोई दक्षिण का कमरा होगा, पश्चिम का कमरा होगा जो बेडरूम ना हो, उसमें भगवान की मूर्ति मंदिर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे उस कमरे में भी उसको एक इकाई मान करके पूर्व या उत्तर दिशा के तरफ दीवार पर मंदिर रखें। एक बात तो बताते हूँ आपको, मंदिर में पूजा करने के लिए पूजा करने वाले का मुंह पूरब में हो, उत्तर में हो या उत्तर पूरब में हो। कई बार कहते हैं लोग कि भगवान जी का मुंह दक्षिण में हो गया, पश्चिम हो गया तो खराब हो गया, ऐसा नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन हमारा मुंह जब पूरब करके मुंह पर पूजा करते हैं तो अच्छा रहता है, सूर्य के प्रातःकालीन किरणों का हमें लाभ मिलता है, चाहे वो कमरे में आए ना आए, लेकिन उस समय उदयकाल होता है सूर्य का, तो पूरब की ओर मुंह करते हैं तो अच्छा रहता है। वैसे भी शास्त्रों में जब संध्या करते हैं विद्वान लोग या कोई भी लोग, तो सुबह को पूरब की ओर यानी सूर्य दिशा में और पश्चिम को जब संध्या करते हैं तो पश्चिम को मुंह करते हैं, उधर सूर्य होता है। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि सूर्य हमारा एक जागृत ग्रह है, उसके वह सृष्टि का नियंता है, सृष्टि चला रहा है, और उसके तरफ मुंह करके पूजा करना सर्व सिद्ध प्रदान करता है। यदि आप घर में मंदिर बन गया है, कई बार मैंने देखा है कि कई घरों में नॉर्थ ईस्ट एरिया है और लोगों ने पत्थर के बड़े बड़े मंदिर बना दिए, ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व में दिशा में अगर मंदिर रखते हैं तो छोटा होना चाहिए, लकड़ी का होना चाहिए, अच्छा होता है। तो ध्यान रहे अगर आपका बन गया है तो कोई बात नहीं है, उस मंदिर पर गुंबद नहीं होना चाहिए। गुंबद हो तो नीचे से खुला हो, जैसे वो पिरामिड के आकार का खुला होता है तो उससे ऊर्जा बढ़ती है, नहीं तो उसमें आपका अंधेरा बंद हो जाएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपके उत्तर पूर्व में जगह नहीं है, अन्य किसी कमरे में आप बना सकते हैं, घबराइए नहीं। केवल ध्यान रहे कि उस किसी कमरे में भी बनाएंगे तो आपकी पूर्व या उत्तर की दीवार पर मंदिर रखें, आपका मुंह पूर्व उत्तर में हो।
बाकी घर मंदिर अगर गलत बन रहा है पूरब में नहीं कर सकते मुँह, आप उत्तर में कर सकते हैं। पश्चिम या दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में मुँह करना अच्छा नहीं होता, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, गृह स्वामी के लिए हानिकारक है, धन की समृद्धि के लिए अच्छा नहीं होता। इसलिए तोड़ फोड़ की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जगह मिल रही है आपको वही मनाइए, चाहे दक्षिण में है पश्चिम में, लेकिन ध्यान इस प्रकार रहे कि वो दीवार की ओर जो दीवार है उत्तर की हो या पूरब हो, तमाम मंदिर रखें ताकि आपका मुँह उत्तर या पूरब में हो। दूसरी बात, पूजा में बैठकर अपना ध्यान ईश्वर की ओर एकाग्र करें, चाहे 2 मिनट की पूजा करें या 10 मिनट की पूजा करें। ये नहीं कि मोबाइल बज रहा है, व्यापार की बातें याद आ रही हैं, स्कूल में या कहीं या संस्था में क्या हुआ ऐसा आ रहा है, तो पूजा सार्थक नहीं होती। चुपचाप बैठें, ध्यान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें या अन्य अपने इष्ट देव का जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि हमारी जो संतानें हैं, युवा पीढ़ी है, बेटी बेटियां हैं, सबको नियम बनाइए कि 5 मिनट बैठ करके भगवान के समक्ष नतमस्तक हों और उन्हें धन्यवाद दें कि प्रभु आपने हमें जीवन दिया है, रोजगार दिया है, मकान दिया है, तो आप हमें हम पर कृपा करो, हम आपको धन्यवाद करते हैं। ये अभाव आजकल के परिवार में नहीं दिख रहा है, अभाव दिख रहा है कि बड़े लोग बच्चों को टोकते नहीं, बच्चा पूजा नहीं करता है, बातें बनाता है, क्या कहता है, अरे मम्मी मन में है भगवान जी, दान कर देता हूँ, ऐसा नहीं होता। मन में सब कुछ ही मेरे पास, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भगवान के सामने बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट उनका धन्यवाद करें, उनके मंत्र का जाप करें, या मंत्र जाप नहीं कर सकते केवल आँख बंद करके ओम का उच्चारण करें या ओम का ध्यान करें तो लाभ होगा। धन्यवाद।